आज मैं आपको एक नई जगह पे लाया हूँ। काफी दिनों से मेरे पास डिमांड थी कि ब्लू पोल्ट्री के कुछ आप ऐसी जगह पे लेके जाइए जहाँ पे ब्लू पोल्ट्री मैन्युफैक्चरिंग होती है या बनती है। तो मैं आज मेरे मित्र हैं राहुल जी, तो राहुल जी ने मेरे को बताई, तो हम उनके उनके भी साथ आए, अर्थांत भी आया है और वेद भी मेरे साथ है। राहुल कुमावत जी मेन है आज के लाने वाले, तो हम सब लोग साथ आए और मैं आपको ये दिखाऊंगा ब्लू पोल्ट्री कैसे बनती है, किस जगह पे बनती है और किस चीजों से वो बनती है, क्योंकि काफी दिनों से ये अब विलुप्त प्राय हो रही है ब्लू पोल्ट्री, लेकिन हमको इसको बढ़ावा देने की जरूरत है और हम लोग भी बढ़ावा दे रहे हैं और मेरे हिसाब से भारत सरकार व राजस्थान सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है। और ये काफी सुंदर दिखती है दिखने में और काफी महंगी भी नहीं, अफोर्डेबल है, हमारे घर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसकी हिंदुस्तान में ही नहीं, अब तो दुनिया में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो ये विलुप्त हो जाए, हमको इसको आगे बढ़ाना है। हम सब मिलकर इसको कैसे आगे बढ़ाएं, और मैं आपको जयपुर के पास में कोट जेवर नाम का गांव है जो महला के पास में पड़ता है, अजमेर रोड पे लगभग 50 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे लेकर के आया हूँ। यहाँ देखिए आप, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ नंदलाल जी जो काम कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। नंदलाल जी दिखाना, देखिए इसको इधर की तरफ, देखिए ये इस काम को कर रहे हैं नंदलाल जी, और मैं आपको कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पूरी यूनिट आपको मैं बताऊंगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे है, एक्सपोर्ट कैसे होता है। चलिए दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, और आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है ये भी मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, आज का सफर चालू करते हैं। आज मेरे साथ राहुल कुमावत, व्लॉगर, बहुत बड़े जयपुर के। अरे भाई, वेश शर्मा व्लॉग्स इनका है, इनको भी सब्सक्राइब करें। अर्थांत व्लॉग्स, इनको भी सब्सक्राइब करें, बहुत बड़े व्लॉगर हैं ये, जल्दी व्लॉग बनाने वाले हैं और ये इस कंपनी के मालिक हैं। सैनिटाइजर छिड़कने का ही है, इधर 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 की तरफ ठीक है, और इसको हाँ थोड़ा सा देखिएगा, चारों तरफ से देखिए आप कितना सुंदर है ब्लू पॉटरी। ये है ब्लू पॉटरी, ये येलो कलर का देखिए मग्गा बनेगा, ये येलो कलर का कितना सुंदर मग्गा है आप देखिए। ये देखिए बोतल, मदिरा की बोतल है ये, देखिएगा ये इत्र रखने का है, इत्र दाने है, इसमें इत्र रख सकते हैं, चिमनी भी बन सकती है ये बनाना चाहें तो आप। माता गोमती ईश्वर पूजे पार्वती, शानदार दिए, अलग अलग कलर में क्या शानदार दिए हैं आप देखिए। देखिए ये आसमानी कलर का है और ये रॉ मेटेरियल्स हैं जिनको भट्टी में पकेंगे और उसके बाद बनेंगे। देखिए ये भी दिए हैं बड़े तरीके के, और ये देखिए ये है ना लैंप्स हैं एक तरीके के, जो अपने क्या बोलते हैं इनको, शो पीसेज है ये, कितने बड़ा शो पीस है आप देख रहे होंगे, मैं भी इसको बड़ा कर देता हूँ, ये पास से देखिएगा इसको शो पीस को। देखिएगा शो पीस है ये, अंदर यहाँ आप फूल लगा लग सकते हैं या कुछ भी शो पीस में आप इसको काम में ले सकते हैं। फिर मैं आप अंकल को दिखा रहा हूँ ये बना रहे हैं इसको, और ये देखिए बोतलों पे इन्होंने कितना शानदार शो पीस बना रखे हैं, बोतलों पे बना रखे हैं, देखिए मर्तबान ही शराब भी रखते थे ऐसों के अंदर पहले, आप देखते हैं पीतल के अंदर, मदिरा बोल रहे हैं ये, मदिरा रख लीजिए चाहे शराब रख लीजिए। ये मयूर की डिजाइन है आप देखिए, बाद में ये भट्टी में पकेगा तो इसका रूप ही शानदार हो जाएगा, मजा आ जाएगा देखने में आप देखिए। देखिएगा मर्तबान पूरा पक करके हो गया है, ये यहाँ पे परफ्यूम डलता है और यहाँ केमिकल से आग लगती है, वहाँ पे कैंडल लगती है, तो बड़ा सुंदर हो जाता है और ये बड़ी सुगंध फैलाता है गार्डन वगैरह के अंदर, बहुत ही सुंदर। आपकी कहाँ कहाँ सप्लाई करते हो आप लोग? इंडिया में,
अंडमान निकोबार। और विदेश में कहाँ कहाँ जाता है आपका? दुबई सब जगह जाता है। कि पूरा लैंप तैयार कर दिया इन्होंने, मैं आपको काफी देर से दिखा रहा था इस बच्चे ने, देखिए ये लैंप तैयार हो गया है। लैंप की हिंदुस्तान में तो डिमांड है, विदेशों में भी इसकी तगड़ी डिमांड है। आप तो देखिए आप ये कैसे इस पे कारीगरी करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है दादा? नंद किशोर है। नंद किशोर जी जो कारीगरी कर रहे हैं आप देखिए, एक बार में पूरा कर लेते हैं, हमको तो तीन तीन बार करने पड़ेंगे, मिटाना पड़ेगा रबड़ से इनसे। देखिए एक बार में पूरी कारीगरी कर रहे हैं। ये ब्लू पोटरी का खाका तैयार हो रहा है ना, इसको रफ बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको? रफ बन रहा है ये, देखिए आप इनका कितना सदा हुआ आते है। और ये भट्टी में पकेगी, उसके बाद ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। वाह मजा आ गया देख करके आपकी कारीगरी को। 35 साल से ये इस काम को कर रहे हैं। देखिए सदाबहार, देखिए इनका कारीगरी, देखिए आप इनकी क्या सदाबहार आते हैं इनकी। हम तो साले चित्रकारी में आज तक पास भी नहीं हुए। झोपड़ी बनाते थे अंकल जी हमको, हम तो झोपड़ी और नदी नाले बना के ही पास हुए। देखिए आप ये गऊ का, देखिए आप कितना शानदार इन्होंने बनाया है। कि आप ये कलर काय से बनते हैं साहब आपके? धापू कलर है। काय का? धापू कलर है, ऑक्साइड कलर। ऑक्साइड कलर है ये, धापू कलर ये नहीं। पकने के बाद नीला हो जाएगा ऐसा। अच्छा ये ऐसा हो जाएगा पकने के बाद, देखिए बता रहे हैं ऐसा हो जाएगा पकने के बाद। नीला हो जाएगा, ये कच्चा हुआ है अभी, इस पे पेंटिंग हो रही है अभी इसको। हाँ। ये भट्टी में पकेगा, भट्टी में पकेगा ना, मैं आपको भट्टी भी दिखाऊंगा जिसमें पकेगा। देखना ये कलर कौन सा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा इसका, ब्लू हो जाएगा, ब्लू पोटरी उसको कहते हैं। आप ग्लेजिंग, ये ग्लेजिंग का काय से बन रहा, कौन सा मेटेरियल है ये? सिंदूर, सुहागा और एक ग्लास का। ग्लास का, सिंदूर, सुहागा, ये तीनों चीजें मिलकर के ये बन रहा है। इसके अंदर देखिए ये डाल दिया, अब इसको पकेगी। जो हो रहा था वो क्या था? वो डिजाइनिंग थी, वो डिजाइनिंग कर रहे थे। अब ये क्या प्रोसेस है? ये ग्लेज, एक जो ग्लेज करते हैं उसको, जो एक्स्ट्रा ग्लेज नीचे रह जाता है उसको सुला के और इसको सुला रहे हैं जो भट्टी के अंदर चिपके नहीं। ये भट्टी में नहीं चिपकता, देखिए इस पे ये सफेद कलर का कुछ चढ़ाया है क्या उस पेंट पे? ये ग्लेजिंग कर रहा है सफेद, अब इसके कारण ये भट्टी पे होगा। और कितने डिग्री पे होगा भट्टी पे? 750 सेल्सियस पे ये पकेगा। और कितने देर पकाते हैं इसको आप? 6 घंटे तक ये आप बता रहे हैं पकाते हैं इसको। ग्लेजिंग के बाद कुछ ऐसे दिखने लगेंगे ये, और ये फिर भट्टी में जाएंगे। इस पे जो इन्होंने चढ़ाया है ना उससे भट्टी में ये चिपकेगा नहीं, और इसके जो कलर है और निकलेगा और उस पे चमक आएगी। और मैंने बताई दिया था क्या क्या मटेरियल इसके अंदर आया था, आप देखिएगा ये अभी सीधे भट्टी में जाएगा। हाँ तो दोस्तों मैं अब आपको ब्लू पॉटरी कैसे बनती है भट्टी में, 750 सेल्सियस पे कैसे पकती है उस भट्टी पे लाया हूँ, देखिएगा आप। ये पकते हैं, ये पक चुकी है, पक कर के अभी खोली गई है 10 मिनट पहले। ये तो ये गर्म थे, उसके बाद ठंडे होने का हमने वेट करा, क्या हम समय लगा रहे थे। भट्टी थी, भट्टी देखिए इसके अंदर, इसको बड़े तरीके से इसको बंद करा जाता है जिससे कि कहीं कोई खराबी ना आ जाए, ये टूट नहीं जाए। अब आप ये पूछेंगे मेरे से कि भाई ये भट्टी में पकने का कैसे मालूम पड़ेगा, कितनी देर तक रहेगा, तो मैं आपको बताता हूँ देसी हिसाब से। ये देसी हिसाब से चलती है, आप विदेशी हिसाब से नहीं, ये इंडियन भट्टियां हैं, ये गैस से चलती है। देखिएगा ये यहाँ से मालूम कर लेते हैं, आइए देखिएगा आप, ये कलर आने लग जाता है इस पे। पहले मैंने आपको वहां दिखाया था व्हाइट कलर था, यहाँ ब्लू कलर आ गया है इसके ऊपर और येलो कलर आ गया, तो ये सोचते हैं पक गया और वापस इसको लगा देते हैं। देखिएगा इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो भट्टी है इसके अंदर जो बंद करते हैं उसको लॉक करते हैं, ये देखिएगा ये इसका दरवाजा है। आप देखा इसमें एक आदमी को अगर आप डाल दोगे ना तो उसके अंदर जब जला दोगे ना तो उसकी राख में नहीं मिलेगी आपको, 30 सेल्सियस पे पकता है। देखिए आप ये बंद होता है, जो ये पूरा बंद होने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई तिजोरी होती है लॉकर होता है ना, लॉकर पे ये डिपेंड कर रहा है। देखिए आप, और ये रुई लगी हुई है और रुई नहीं जल रही है, आप देखिए आप, ये भट्टी पूरा लोहे की बनी हुई है ये, ठीक है। अब आपको मैं पुरानी भट्टी भी दिखाता हूँ, पहले आपको बताता हूँ मैं काय से बनता है। देखिएगा ये गैस है, ये गैस जो जा रही है ये भट्टी में सीधा जा रही है, गैस भट्टी में चलती थी वो गैस से चल रही थी। ये दो मोरियां थी यहाँ पे बता रहे हैं, और यहाँ पे लकड़ी जलती थी और ब्लू पोटरी ऊपर रख दी जाती थी, जैसे अपने मटके वगैरह पकते है ना
या ईंटें पकती हैं वैसे पकता था और कोयले से और लकड़ी से पकता था। ये ऊपर से तो कुछ भी नहीं लग रहा था, अंदर से देखिए आप कैसा लग रहा है आपको, शानदार। ये जो इनका भट्टी थी उसमें से पूरा प्रोसेस हो गया और ये निकाल रहे हैं उसको, और ये देखिए, और ये ऐसे इनको नीचे जमा रहे हैं। दोस्तों आज का व्लॉग का ये आखिरी दौर चल रहा है, देखिए भैया इसको फाइनल टच दे रहे हैं, इसके बाद पैकिंग होकर के ये माल एक्सपोर्ट हो जाएगा या अपने अपने ग्राहकों को जहाँ से ऑर्डर आया वहाँ चले जाएगा। आज का ब्लू पोल्ट्री का यह व्लॉग आपको कैसा लगा, ब्लू पोल्ट्री की क्या संभावनाएं, काफ़ी सालों से चल रही हैं, हजारों सालों से ब्लू पोल्ट्री चल रही है, इसकी क्या संभावना है इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। मैं आगे और किस चीज़ पे व्लॉग बनाऊँ आप उसके बारे में भी मेरे को लिख सकते हैं उसके अंदर। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी जल्दी जा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मेरे साथ वेद अर्थांत और राहुल कुमावत जी तीनों जो व्लॉगर हैं वो आए। आज की यह यात्रा यहीं ख़त्म करके जल्दी जल्दी आपसे नई यात्रा पे मिलने का वादा करता हूँ। आपका दोस्त आशीष पारिक, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू।